शेतकरी दूध विक्रेता यांनी बनावट दूध तयार करणाऱ्यांवर आळा बसविण्यासाठी एल्गार पुकारला आहे। जिल्ह्यात नाही तर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात भेसळ दूध विक्री होत असल्याचा आरोप येथील दूध विक्रेता शेतकऱ्यांनी केला आहे। तर या भेसळयुक्त दुधामुळे येथील दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दुधाला हवी ती किंमत मिळत नसल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे। यामुळे शेतकऱ्यांना दूध व्यवसायात फटका बसत आहे। वाढत्या महागाईमुळे जनावरांचा चारा पाणीचा खर्च वाढलेला आहे। अशातच उत्पादन खर्चामध्ये तफावत आली आहे। केमिकल्स व भेसळयुक्त दूध बाजारपेठेत कमी किमतीत सहज उपलब्ध होत आहेत। यामुळे शेतकऱ्यांच्या दर्जेदार दुधाला कीमत कमी होत आहे। किसान संघ दूध की कामठी गाँव गादा गाँव में संयुक्त मीटिंग हुई। इसमें मीटिंग में निकल कर आया जो मिलावटी दूध आ रहा है, तुमसर से, भंडार से, गोंदिया से या जहाँ से भी आ रहा है, इसको रोक कैसी लगाई जा सकती है। प्रशासन के द्वारा बोलो, तहसीलदार से बोलो या राजनीतिक स्तर पे किसी भी प्रकार से इसको रोकने के बारे में तमाम पशुपालकों से और यहाँ पे उपस्थित लोगों से चर्चा हुई। इसको रोक के बारे में हम कामठी में एक आंदोलन के रूप में हम इसको हर जगह पे ले जाने वाले हैं। राजनीतिक स्वरूप में बोलो या कानूनी स्वरूप में बोलो, तो हम इस बारे में विस्तार से आज यहाँ सभी तमाम पशुपालकों के साथ चर्चा हुई। यानी नकली दूध होने के वजह से नकली दूध ये आने के वजह से लोगों को जन स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा, किडनी खराब हो रही है, कैंसर की बीमारी हो रही है, आँखों में कमजोरियाँ हो रही है, गैसेस की परेशानी हो रही है, तमाम तरह की ये आज लोगों को परेशानियाँ हो रही है। इसलिए ऐसा क्या है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ कम रुपए होने की वजह से दूध बेच देते हैं अपना और बेच के अपना कभी भी आते हैं और कभी भी बेच के चले जाते हैं। और तमाम पशुपालकों को, चाहे इस देश के बोलो चाहे महाराष्ट्र के बोलो, काफ़ी यानी जो मिलावट की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। नकली दूध कामठी में आ रहा है कि और भी कहीं और कोई? मेरे हिसाब से पूरे ये जो काम हो रहा है नकली दूध का बोलो या मिलावट की का, पूरे देश में हो रहा है। मेरी तमाम देश की सरकार से बोलो या महाराष्ट्र की सरकार है, मेरी सभी सरकार से, जिस राज्य में जो पार्टी की सरकार होगी, मेरी तमाम उन सरकारों से मेरी गुजारिश है कि ये नकली दूध को बिल्कुल रोके और जो पशुपालक आज परेशानी में आ गए उसको ये करे, मदद करे, नकली दूध को रोकने में मदद करे पशुपालकों की। सब में पहले मैं बताना चाहूँगा महाराष्ट्र की सरकार को, केंद्र की सरकार को, कि जो ये अपने देश में या हमारे शहर में जो मिलावटी दूध का जो ये काम चालू है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य की खिलवाड़ कर रही है और उसका फ़र्क जो हमारे दूध वालों के ऊपर जो असर पड़ रहा है कि मिलावटी दूध आने से हमारा जो हम जो ओरिजिनल दूध जो बेच रहे हैं उसको रेट नहीं मिल पा रहा है। उसको रेट नहीं मिलने के कारण दूध वालों के जो जानवर पशुपालक जो है, पशुपालक पे बड़ी मुसीबत का सामना उनको करना पड़ रहा है कि जो जानवर बेच के अपना जानवर जो कुछ बचे हुए जानवर को पालन पोषण कर रहा है, खुद का पालन पोषण कर रहा है। कहीं कुछ सालों में ऐसा ना हो जाए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी जानवर बांट रही है, किसान लोगों को, दूध वालों को गाय दे रही है, लेकिन अभी देखने में ऐसा आएगा कि ये जानवर बेचना पड़ेगा लोगों को मिलावटी दूध के कारण। ये सब में बड़ा असर एक तो लोगों की स्वास्थ्य के ऊपर हो रहा है, दूसरा पशुपालकों के ऊपर हो रहा है। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि ये जो मिलावटी दूध आ रहा है इस पे कुछ ना कोई तरीके से शिकंजा कसा जाए, ये दूध को बंद किया जाए। इससे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसको दूध वालों के ऊपर में धंधे पे भी फर्क पड़ेगा। बॉस ने मीटिंग बुलाई क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार-बार उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।